Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, we are learning chapter number 6, percentage. In previous class, we have done exercise 6.3. In this class, we will do exercise 6.4. So let's start from question number 1. Question number 1 is, find the following percent. हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन है और उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. ए पार्ट क्या है हमारा, 50% ऑफ 20. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. तो मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपको बताया था कि परसेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 100 का यूज करते हैं. तो 50% अगर मैं रिमूव करूंगी तो अपॉन में क्या जाएगा, 100. ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑफ. ऑफ का मींस मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, हम उसको इस यहाँ पे यूज करेंगे. ऑफ मींस मल्टीप्लाई, आगे हम क्या लिखेंगे, 20. क्लियर. अब ये हमारा होल नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, नहीं तो हम इसकी डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं. हमेशा अपॉन में 1 होता ही है किसी भी होल नंबर का, अगर हमें उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो. अब हम इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं, 20 वन्स आर 20, 20 फाइव्स आर 100. अब ये अभी भी हमारा कटिंग हो सकती है, देखो 50 अपॉन में 5 रहेगा, ऊपर 50 और 1 बचेंगे तो 50 इंटू 1 50, नीचे रहेगा 5 इंटू 1 तो 5. अगर हम इसकी अभी भी कटिंग करें तो आंसर क्या आएगा, 10. 5 वन्स आर 5, 5 टेन्स आर 50. तो हमारा आंसर क्या आया, 10. मीन्स 50% ऑफ 20 क्या होगा, 10 होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव बी पार्ट. बी पार्ट है 25% ऑफ 12. तो सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने ए पार्ट में किया है. हम 25 लिखेंगे, परसेंट को इसके साइन को रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 लगाएंगे. ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 12 हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे. और अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 करेंगे. तो 12 और अब देखो 25 और 100 सेम टेबल में आ रहे हैं. 25 वन्स आर 25, 25 फोर्स आर 100. अब हमारे पास 4 जो नीचे है इसकी 12 से भी कटिंग हो सकती है क्योंकि 12 हमारा न्यूमरेटर है. तो 4 वन्स आर 4, 4 थ्री आर 12. ये पार्ट यहाँ भी सॉल्व हो सकता था, मैंने आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताया और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ. आपको जो मेथड इजी लगे आप कर सकते हैं, कि पहले आपको मल्टीप्लाई करके कटिंग करना है वो इजी लगता है तो उस तरीके से करेंगे, या जो बी पार्ट में डायरेक्ट कटिंग जो बारी रिपीट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं. अब हमारे पास ऊपर क्या है न्यूमरेटर्स में, 1 और 3. तो 1 इंटू 3 अपॉन में हमारे पास दो ही नंबर है, 1 इंटू 1, दोनों ही नंबर क्या है, 1. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3. क्लियर. तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इजीली कर पाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, फॉलोइंग फाइंड आउट करना है. तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है तो ये सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह. ए पार्ट देखते हैं, 10% ऑफ अ रूपी. देखो सिमिलर है, 50% ऑफ 20. यहाँ हमें एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक कंडीशन ये भी है, हो सकता है वो लेंथ में गिवन हो सकता है वेट में, मनी में, कुछ भी गिवन हो, हमें किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, अ रूपी, यानी हमारे पास क्या है, 1 रूपी है. तो हम इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे, 10 वही प्रोसेस परसेंट के साइन के लिए, अपॉन में 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अ रूपी यानी हमारा रूपीज 1 रूपीज ले लेंगे हम. ठीक है, अब हम इसकी अगर कटिंग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ. अगर मैं इसकी फ्रैक्शन में बात करूं तो आंसर अपॉन में 1 लगा देंगे तो 1 इंटू 1 1, 10 इंटू 1 10. तो आंसर क्या आया, 1 अपॉन 10. अब एक चीज, यहाँ मैंने रूपीज 1 लिखा है तो हमें ये आंसर में भी क्या लेना पड़ेगा, रूपीज 1. यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट नहीं गिवन, ठीक है, तो यहाँ हमें यूनिट गिवन है तो आंसर हमारा यूनिट में ही आएगा. अगर हम देखो कैलकुलेट तो हमें ऐसे ही करना है, 1 अपॉन 10 क्या लिखते हैं, 0.1, जो कि फ्रैक्शन के चैप्टर में सीखा था, सिंगल डिजिट, वन डिजिट का जीरो गिवन है. मीन्स देखो 10 में 1 0 है
तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक डिजिट स्किप करके डेसिमल पुट कर दिया। अब ये है हमारा रुपीज, तो हमें आंसर में रुपीज लिखना कंपलसरी है क्योंकि हमसे पूछा ही किसका गया था, अ रुपी का। अगर हम बी पार्ट पे आते हैं, अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, 25% ऑफ 4 किलोमीटर, तो यहाँ क्या गिवन है हमें, 4 किलोमीटर। तो इट मींस अब आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में मिलना चाहिए, किलोमीटर्स में आना चाहिए। तो 25% का साइन रिमूव करने के लिए अपॉन में 100, ऑफ में इस मल्टीप्लाई 4 हमने यहां लिखा किलोमीटर। आप इसको यूनिट को लास्ट एल में भी यूज कर सकते हैं लास्ट आंसर के टाइम पे, बट मिस्टेक ना हो तो इसलिए मैं साथ साथ में किलोमीटर्स भी लिख रही हूँ। अब क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर देंगे, 25 ones are 25, 25 fours are 100, 4 ones are 4, 4 ones are 4। तब हमारे पास ऊपर भी क्या रहा, 1 into 1, 1, नीचे भी रहा 1 into 1, 1, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर नहीं लगाते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, पूरा आंसर करेक्ट नहीं होता। तो जो भी हमें यूनिट गिवन है, जिस भी यूनिट का हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस यूनिट को लास्ट में आंसर में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के आप जो रिमेनिंग पार्ट है वो इजिली कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी